शिवपुरी के माधव चौक पर स्वच्छता का बोर्ड लेकर एक युवक अकेला खड़ा हुआ है, जहां उसकी मंशा है कि उसे देखते हुए और भी लोग उसके साथ जुड़े और शिवपुरी को स्वच्छ बनाने में उसका सहयोग करें। वहीं युवक अभिषेक प्रेम दुबे ने बताया कि वह शिवपुरी का रहने वाला है और फिलहाल वह इंदौर में रहता है। जब वह इंदौर से शिवपुरी आता है तो उनको शिवपुरी में काफी गंदगी देखने को मिलती है, जहां उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उनके हाथ में स्वच्छता का बोर्ड लेकर खड़े होने का उद्देश्य है। जिन लोगों की नजर उन पर पड़ेगी वह स्वच्छता को लेकर विचार अपने मन में जरूर करेंगे और उनके द्वारा स्वच्छता के शुरू किए गए मिशन में हिस्सा बनेंगे, जिससे इंदौर की तरह शिवपुरी भी स्वच्छ होगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम अभिषेक प्रेम दुबे है। जी, मेरा उद्देश्य है कि हम सभी को मिलकर शिवपुरी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अकेला खड़ा हूँ इससे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जिन जिन लोगों की नज़र मेरे इस पोस्टर पर जाएगी वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हम सभी मिलकर शिवपुरी को स्वच्छ बनाने की दिशा में साथ साथ काम कर सकते हैं। जी, मेरे मन में ये विचार इसलिए आया क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं इंदौर में निवास करता हूँ और मैं जब इंदौर से शिवपुरी आता हूँ तो मैं काफ़ी अंतर देखता हूँ स्वच्छता में। इंदौर लगातार 6 वर्षों से स्वच्छता में नंबर 1 है देश में, और वहीं हमारी शिवपुरी जब हम आते हैं तो शिवपुरी में गंदगी और सही प्रबंधन नहीं है। जी, हाँ जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं शिवपुरी का नागरिक हूँ। शिवपुरी क्लीन शिवपुरी, ग्रीन शिवपुरी, शिवपुरी एकदम स्वच्छ और साफ हो, जिस प्रकार आज पूरे देश में इंदौर का फर्स्ट नंबर आया है, मैं चाहता हूँ कि छोटी जगह शिवपुरी पूरे देश में फर्स्ट आए और यहाँ के लोगों को, सब लोगों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। अभी अभिषेक दुबे जी ने जैसा बताया कि उन्होंने जिम्मा उठाया कि मेरे को शिवपुरी को ग्रीन शिवपुरी, क्लीन शिवपुरी करना है, मैं इनके साथ में हूँ। शिवपुरी का सारा व्यापारी इनके साथ में कर रखूँगा, शिवपुरी की जनता को इनके साथ जोड़ूंगा। मैं बेस्ट समाज का प्रदेश महामंत्री पद पर काम कर रहा हूँ, सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि सभी लोग इस मुहिम में जुड़ें। मैं यहाँ पर सर्वाइकल सेवा भी देता हूँ मंगलम संस्था पर, 100-150 लोग रोज़ मेरे पास आते हैं, मैं उनसे भी आग्रह और निवेदन करूँगा कि आप सब इसमें सहभागी बने और अपने शिवपुरी को क्लीन शिवपुरी और ग्रीन शिवपुरी बनाएं, जिससे अपने साफ सफाई रहे, हम बीमारी से दूर रहें, हमारे बच्चे इन बीमारी से दूर रहें, हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।